एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है सो आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं आपकी अदालत का कोई स्टेटमेंट है और जो कि नरेंद्र मोदी जी जो है जिन्होंने अपने कहते हैं कि मुंह से अदा किया है, तो देखते हैं वो क्या है। और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। बात करके बड़ा मजा आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की, और क्या वजह है कि आज पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में उस तरीके से आगे नहीं जा पाया। दुनिया हम पे अगर हंस रही है या दुनिया जो है वो ये कह रही है कि देखो आज पाकिस्तान यहाँ है और हम कहाँ है, क्या वजह है उसकी? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें ना, हमने किसी भी चीज में अगर हमने कोई काम किया ना तो हमने एक दूसरे की लात खींची, लेग पुलिंग, और अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको खींच लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है हमारे इधर क्यों ऐसा सिनेरियो है कि हम लेट ही उसको, लेट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी अगर टिकटॉक सोशल मीडिया के हवाले से देख लिया जाए तो टिकटॉक आई, टिकटॉक में अगर देखा जाए तो हमने क्यों इतना लेट यूज किया, और आज देखा जाए टिकटॉक ब्रांड बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। लेकिन इससे थोड़ा सा और बल्कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। टिकटॉक या सोशल मीडिया ऐप्स अपनी जगह है, हमें देखना है कि दुनिया मून पे जा चुकी है। आपने एक वीडियो बड़ी वायरल होगी हुई थी, आपने शायद देखी हो, कि इंडिया ने जब अपना मिशन मून लॉन्च किया था यहाँ से लोग ये कह रहे थे हम ऑलरेडी चांद पे हैं, मतलब हमारे इधर बिजली नहीं है, हमारे इधर पानी नहीं है, खड्डे हैं, तो हम तो ऑलरेडी चांद पे हैं। उसका रिएक्शन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आज उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले दो टाइम की रोटी खा लें उनके लिए यही काफी है, क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं, जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकॉनमी के जो हालात, बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें सिर्फ इस चीज पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज के ऊपर हमें इसी चीज के ऊपर लगा दिया। लेकिन देखा जाए की जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से वो नहीं हो रही, उसकी रीजन ये है कि हमारी आवाम का जो शऊर है वो उसकी जो मेंटेलिटी है वो इसी चीज के ऊपर रह गई है कि हम इंडिया से मतलब मुकाबला करना, लेकिन हाँ अपने दौर में हम कुछ आगे करना नहीं चाह रहे, ठीक हो गया। मैं तो 101 दफा हजार दफा कह चुका हूँ कि मुझे भी इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन वो एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, मतलब इन चीजों में, ये जंग में या इस चीज में मुकाबले का कोई, बिल्कुल ऐसे ही। अगर देखे वो मून पे गए हैं तो पहली बार वो जब वो नाकाम हुए तो हमारे पाकिस्तान ने बड़ा ज्यादा ट्रोल किया उन्हें, ठीक हो गया, कि वो नहीं जा सके या वो जैसे भी, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, वो चले गए। अब हमारा भी शो लॉन्च हुआ है वो तो सारा सबको पता है चाइना की वजह से हुआ है, जैसे भी चाइना, हम खुद से कहें तो हम खुद से पाकिस्तान है वो कुछ नहीं हो गया। देखिए इनकी इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ, और उसकी रीजन ये है कि हमें मुकाबला अगर करना है सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया की किसी भी कंट्री से, तो वो पॉजिटिव वे में करें, इकोनॉमी में करें, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन चीजों में करें। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, इसी से मैं स्टार्ट लूंगी कि वाकई जंग जो है वो किसी चीज का हल नहीं है, कि आप जो है वो किसी को दुश्मन मुल्क समझते हो या आप जो है वो स्टार्टिंग से आप लोगों के क्लैशेस चले आ रहे हैं किसी मुल्क के साथ, आपने मुकाबला भी करना है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि मतलब आप लोग एटमी ताकत के तौर पर एटमी हथियारों से जो है ना आजकल मुकाबला नहीं होता, मुकाबला होता है आईटी से, टेक्नोलॉजी से मुकाबला होता है, एजुकेशन से, तो उस चीज में तो हम लोग बहुत पीछे रह गए। मतलब हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकाबला करके इंडिया जो है वो जीत चुका हुआ है इन चीजों में, वो इतनी आगे निकल चुका हुआ है, लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग इसी चीज में कि हमने मुकाबला करना है या हमने जो है ना वो कश्मीर लेना है या हमने ये करना है, हम उसी में जो है ना वो मारे जा रहे हैं, और उसी चीज में सारा हमारा जो डिफेंस बजट है वो इतना ज्यादा, मतलब इंडिया का, इंडिया मतलब कितना ज्यादा उनके सूबे भी और कितना बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, वैसे भी उनका डिफेंस बजट इतना नहीं है जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट है। मतलब बाकी हम लोग कर्जों पे हैं लेकिन डिफेंस बजट हमारा इतना, लेकिन जा कहाँ पे रहा है ना, हम कोई एयरक्राफ्ट बना रहे हैं,
ना हमारे जो है ना कोई कुछ ऐसे स्पेशल मिशन सामने आ रहे हैं कि भाई हमने आज ये मशीन गन्स बना ली है, कोई डिफरेंट टाइप की है, ये एयरक्राफ्ट बना लिया या ये फलां हमने बना लिया, कुछ भी ऐसा कोई कुछ बनता हुआ तो दिखाई दे रहा नहीं है। फिर ये सब कहाँ जा रहा है, उनके पेटों में ही जा रहा है। सबसे ज्यादा हमारा जो बजट है वो डिफेंस का है, तो ये इस बात की मेरे मुझे समझ नहीं आती। रही बात ये जो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है, बाकी मैं इससे भी एग्री करती हूँ कि उन्होंने अपने जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने अपने तौर पर बड़े अच्छे से इसका आंसर दिया, और उनकी जगह पे कोई और रहता तो वो भी ये कहता कि भाई उनके वो इतने में ही बड़ा खुश है कि उनके झंडे के ऊपर मून है, लेकिन मैं जो ना मैं मून के ऊपर अपना झंडा गाड़ना चाहता हूँ। तो ये बात तो मतलब वो कहते हैं ना कि एक पते की बात है, छोटी सी बात है लेकिन उसमें उसका मीनिंग देखें कि उसका कितना बड़ा है। उससे भी ज्यादा मैं इस बात पर बड़ा खुश हूं कि उनका इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी का लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का देखो वहां पर भी जिक्र है। तो पाकिस्तान की वही बात के हाईलाइट्स पे रहना, और ये चीज जो है ना ये कोई पाकिस्तान से सीखे, वो आप हाईलाइट्स आपकी बुरी भी हो सकती है, हाईलाइट तो फिर हाईलाइट ही है ना, बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है। चलो अभी अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी हाईलाइट्स में भी पाकिस्तान जो है ना वो कहते ना कि टॉप पे है। कुछ भी इंडिया की किसी भी चैनल की न्यूज देख लो, वो पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान के ऊपर ही खत्म होती है। इवन के उनके जो प्राइम मिनिस्टर से भी जो क्वेश्चन पूछा गया वहां पर शो में, वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड पूछा गया, तो फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसकी हुई, पाकिस्तान की। तो इन द एंड मैं यही कहूंगी बाकी कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट की जो वीडियो होती है वो पिज्जा के बगैर जो उनको खाना जम नहीं होता, इसलिए इंडिया वालों के किसी भी बंदे की जो है बात पाकिस्तान की किए बगैर जो है वो उनकी बात कंप्लीट नहीं होती। खैर इस पूरी वीडियो की मैं कहती हूँ जो मेन हाईलाइट थी, जो मुझे सुहेब की बात बहुत अच्छी लगी कि यार ठीक है यहाँ पे हमें जो है ना बंदों लोगों को शाउट देना चाहिए। शायद आपको याद हो हमने एक वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तानी बच्चे और इंडियन बच्चों का जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा था। वो लोग कह रहे थे कि हम जो इंडियन बच्चे थे वो कहते थे कि हम एजुकेशन में या इस तरह जो पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, यहाँ पे हमने बच्चों को सिखाया था कि हमने कश्मीर लेके आना है, हमने इंडिया में जाके ये वाले खाने खाने हैं, हमने इंडिया में जाके इस जगह पे जो है वो कब्जा करना है, हमने ये करना है। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को शुरू से ये तालीम देते कि यार हाँ हमने मुकाबला करना है इंडिया का, क्यों नहीं करना, लेकिन हमने पॉजिटिविटी वे में बताना कि हमने उनका एजुकेशन में मुकाबला करना है, हेल्थ में मुकाबला करना है, इकोनॉमी में मुकाबला करना है, जो चीजें मुकाबला करने वाली है, नहीं हमने कश्मीर लेना है। शुरू से हमारे बच्चों के दिमाग में जो है फीड किया जाता है भाई वहां का जो कश्मीर है वो हमारा कश्मीर है, इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, वो हमने लेना है। यहाँ पे भी आप रोड पे बाहर ले जाओ निकल जाओ ना किसी से इंटरव्यू लेने के लिए, पहली बात ही होगी उसकी। और हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा, लोग कहते हैं कश्मीर क्या है, कश्मीर तो हम एक हफ्ते में उनसे ले लें, बस हमें इजाजत नहीं मिली। फलस्तीन क्या है, फलस्तीन में जाके अभी हमें भेजो तो हम जाके फलस्तीन में जो है वो मुकाबला कर लें। भाई पहले अपनी आवाम को शौर तो आने दो, उनको बताओ तो सही एजुकेशन असल में एजुकेशन क्या है। अगर हमने किसी भी मुल्क से तरक्की करनी है वाकई हमें उसका सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो यहाँ की हुकूमत जो है वो लोगों को एजुकेशन देती नहीं है, उनमें शौर आने नहीं देती, बस इस किस्म की उनके दिमागों में बातें जो है ना वो फीड करते हैं कि नहीं हमने इंडिया से इस तरह मुकाबला करना है, इंडिया ने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर लिया, हमने वो उनसे छीना है, इस किस्म की बातें नहीं। आपको वाकई मुकाबला करना है तो पॉजिटिव वे में करना चाहिए। और जैसे ये कह रहे थे कि बाकी अगर इंसान की आंख यहाँ पाकिस्तान के किसी बंदे की आंख पे आप पट्टी बांध दो ना कराची या कहीं और, कराची में तो बहुत ज्यादा खड्डे हैं, वहीं पे अगर आप ले जाओ उसको गाड़ी में बिठा के तो वो खड्डों पे कहेगा हाँ जी मैं तो चांद के ऊपर पहुंच गया हूँ, यहाँ पे ना वो है लाइट है ना गैस है हर चीज है, जो बाकी हम इंडिया तो अब चांद पे कि हम तो काफी जमाने से जो है वो चांद के ऊपर मजदूर है हाँ, लेकिन बस आपकी आंखों पे जो है वो पट्टी जो है वो बंदी होनी चाहिए, फिर आप चांद के ऊपर जो है वो मौजूद होंगे। और बाकी अगर पाकिस्तान में मैं जैसे मोदी जी ने कहा कि अगर दो बाकी रोटी मिल जाए तो आप बाकी चांद पे पहुंच गए हो, वह हमारे लिए आज के इतने महंगाई के दौर में दो वक्की रोटी मिलना ही जो है वो बड़ी मुश्किल बात है, तो अगर बंदा वही खा ले तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, और जैसे ये कह भी रहे थे कि चाहे अभी हम चांद पे गए लेकिन सारा उसका पीछे क्रेडिट जो है वो चाइना का है, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना का अगर ना होता तो हम चांद के ऊपर हम कभी भी ना जाते, लेकिन हमने पाकिस्तान में मशहूर किया वो पाकिस्तान जो है चांद पे पहुंच गया, और जब गया था तो सारा उस दिन लाइव भी दिखा रहे थे, जैसे इंडिया वालों ने जो है वो लाइव दिखाया था, जैसे सब कुछ हमारा ही है और हमने चांद पे पहुंचेंगे हमारे हालात है। तो सबसे बस इसका लास्ट में यही कहूंगी कि हमने जो है ना एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पढ़ने हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।